हेलो दोस्तों, अपना गार्डन चले में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हमने ये जो बाग लगा रखा है किले में, एक एकड़ में लगा रखा है, इसकी फ्रूटिंग दिखा रहा हूँ। अभी एक साल के पौधे हुए हैं, एक पौधे पर लगभग 50 के करीब फ्रूट आए हुए हैं। मैं आपको दो पौधे दिखाने वाला हूँ, एक ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। इसमें हमने मल्चिंग करके खुदाई कर दी थी। खुदाई करने के बाद इसमें थोड़ा DAP, पोटेशियम और फॉस्फोरस की मात्रा मिलाई थी। इसमें से लगभग 50% DAP था, 30% पोटेशियम, 20% फॉस्फोरस। इससे काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आई इसमें। वैसे आपको जो गाय का खाद हो, गाय गोबर की खाद होती है, वो भी मिला सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको फ्रूट दिखा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आई है। मैं आपको दूसरा पौधा भी दिखाऊंगा, वीडियो देखते रहिए आखिरी तक। मैं आपको दूसरा पौधा भी दिखाऊंगा। वैसे तो दोस्तों, सामान्यतः एक पौधे पर लगभग 100 के करीब पौधे आ जाते हैं। अगर आप उसमें सभी प्रकार की उसके सुविधाएँ रखते हैं, अच्छा पानी डालते हैं उसमें, अच्छी मल्चिंग करते हैं और DAP डालते हैं। मैं आपको दूसरा पौधा दिखा रहा हूँ, ये भी लगभग एक साल का हुआ है, एक साथ ही लगाए थे। ये देख पा रहे हैं आप, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग आई एक साल में। पिछली बार जो फ्रूटिंग आई थी उसके अमरूद हमने तोड़ दिए थे, क्योंकि उसके कारण ये पौधा टूट सकता था। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई इस पौधे ने एक साल में, अब ये फ्रूटिंग भी कर रहा है। वैसे तो बहुत सारी वैरायटीज हैं, ये छोटा जापानी गवावा नहीं है, क्योंकि जापानी गवावा के यहाँ पे रेट अच्छे नहीं मिल पाते। मैं हरियाणा से हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये फ्रूटिंग दे